भगवते वासुदेवाय श्लोक चार है चौथे एवं लब्ध करो दैत्यो विभ्रद हेममयं वपुः भगवत्य करो द्वेषां भ्रातुर्वधमनुस्मरन् एवं इस प्रकार जैसा पहले कहा गया लब्ध वरः जिसे ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त हुआ दैत्यः दीपी का पुत्र हिरण्यकशिपु विभ्रात धारण किया हुआ हेममयम् जिसकी कांति हेम स्वर्ण के समान थी बापुः देह भगवती भगवान में भगवान के प्रति अकरो करने लगा द्वेषां द्वेष शत्रुता भ्रातुः अपने भाई हिरण्याक्ष के बधाम बध का अनुस्मरण निरंतर स्मरण करता हुआ और नारद जी आगे कथा कह रहे हैं एवं लब्ध वरह दैत्य इस प्रकार लब्ध वरह ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया दैत्य हिरण्यकशिपु और उसी वर के प्रभाव से उसका शरीर स्वर्णमय था हेममयम ऐसे उसकी हड्डी या चाम या रक्त ये सब सोना के नहीं थे सोने जैसी कांति थी शरीर की चमक सोने जैसी बहुत स्वस्थ है और दृढ़ कठिन शरीर उसे प्राप्त हुआ तो इस प्रकार जब शरीर में बल बढ़ गया और भी निर्भय हो गया तो भगवती द्वेषम अकरोत् भगवान में द्वेष और करने लगा शक्ति बढ़ने से द्वेष का कारण क्या था बढ़ने का क्योंकि भ्रातुः वधम अनुस्मरण वह बारंबार या निरंतर अपने भाई के वध का स्मरण कर रहा है इस संसार में कभी भी किसी का वध हो सकता है कुछ भी हो सकता है स्मरण करना चाहिए भगवान का लेकिन अपने भाई का स्मरण कर रहे हैं हाय हमारा भाई मारा गया भाई मारा गया लेकिन भाई किस कांड में मारा गया ये नहीं सोच रहा है उसका भाई संपूर्ण पृथ्वी को चुरा कर रसातल ले गया था दूसरे डाकू होते हैं दस्यु होते हैं तो पृथ्वी पर से कोई सामान लेकर इधर उधर करते हैं लेकिन हिरण्याक्ष ने सोचा कि जो भी धन है सोना चांदी माणिक वो सब पृथ्वी के अंदर इसलिए इसी को पूरा चुरा लिया पूरा पृथ्वी चुरा ले गया और जिस समय मनु महाराज जन्म लिए ब्रह्मा जी से तो मनु महाराज ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा अपने पिताजी से पिताजी आप हमें आदेश दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम सृष्टि करो मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं तो मनु महाराज ने पूछा कि कहां सृष्टि करूं ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी पर करो और पृथ्वी का पता ही नहीं था मनु महाराज ने कहा कि पृथ्वी का तो पता नहीं है पृथ्वी को पूरा चुरा ले गया था हिरण्याक्ष तो ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए भगवान का ध्यान करने लगे उसी समय उन्हें छींक आई और छींक के साथ छोटा सा सुअर का बच्चा निकला नक्ष बारह शिशु
और ब्रह्मा जी के देखते देखते बढ़कर पर्वत जैसा हो गया, गरज तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये श्री भगवान है। भगवान फिर समुद्र में कूदे और गए पृथ्वी का पता लगाते हुए, अपने दांतों के अग्रभाग पर पृथ्वी को उठाकर आ रहे थे, इधर से प्रयाग पहुंचा और भगवान से बातचीत करने लगा। बहुत क्रोध में कहा कि अरे तुम जंगल में रहने वाला जानवर पानी में कैसे आ गया? मैं तुमको पहचान रहा हूं, तुम विष्णु हो, शुक्र तरुण बनाने से मैं तुमको छोड़ नहीं दूंगा, मेरे साथ युद्ध करो, इस पृथ्वी को छोड़ दो, पहले इस पृथ्वी को छोड़ो, छोड़ करके ही तुम जीवित जा सकते हो, नहीं तो नहीं बच सकते। और उसी संदर्भ में कहने लगा कि यह पृथ्वी ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों को दिया है। लगता है झूठ बोल रहा था, लेकिन ब्रह्मा जी को पता ही नहीं था कि पृथ्वी कहाँ चाहिए, और भगवान से कह रहा है ब्रह्मा जी ने हम लोगों को दिया है, तो तुम इसे छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन भगवान ने छोड़ा नहीं, पृथ्वी को लाकर ऊपर स्थापित किया, इसके बाद उसके साथ युद्ध किया, युद्ध में वो मारा गया। इस तरह बहुत बड़ी गलती करने के कारण वो भगवान के हाथ से मारा गया। तो भाई के दोष का कभी स्मरण नहीं कर रहा था हिरण्यकश्यपु, भाई कितना चोर था, बदमाश था, खल था, इसका कोई स्मरण नहीं। विष्णु ने हमारे भाई को मारा है, बस विष्णु में सारा दोष देख रहे हैं और क्रोध बढ़ता जा रहा है। तो भगवान से क्रोध के कारण ही वो सृष्टि के सारा नियम बदलना चाहता है, विष्णु का एक नियम नहीं चलने दूंगा। इसी के लिए वो संसार में अजय अजर और अमर बनना चाहता है। वह बनने में भी उसका द्वेष ही कारण था, मैं इतना बलवान बनूंगा कि विष्णु के द्वारा बनाया हुआ सारा नियम बदल दूंगा, और जब नियम बदलूंगा वो हमारे सामने आएगा, छेड़खानी करेगा, उसी समय उसको बंद कर दूंगा, ये सोच रहा था। और इसके बाद तो सारा भय हमारा खत्म रहेगा, वो सोच रहा है। सब विजित दिशा सर्वाह, ये समस्त दिशाओं को जीत लिया। दिशाओं को जीतने का अर्थ है जिस डायरेक्शन में गया वहां जो भी देवता मनुष्य या दानव थे सबको जीत लिया, परास्त किया, जिस दिशा में भी गया। तो दिशाओं में स्थित लोगों को जीत लिया, इसको कहने के लिए कहा जाता है दिशाओं को जीत लिया, उस दिशा में स्थित बड़े बड़े वीरों को परास्त किया। सर्वालोकाश्च त्रीन, तीनों लोकों को, संपूर्ण ब्रह्मांड को तीन भाग में बांट करके ऊपर नीचे और मध्य, ऊर्ध्वम अधः मध्यम, ये कहा जाता है त्रिलोक। तो तीन ब्रह्मांड के तीनों क्षेत्रों में रहने वाले जो भी बड़े बड़े वीर थे सबको जीत लिया, क्योंकि वह बड़ा बलवान असुर था। तो किन किन लोगों को जीता उनमें नाम बता रहे हैं, देवासुर मनुष्यंदर गंधर्व गरुणों रगा, देवताओं को जीता और असुरों को जीता है। असुर भी कुछ थे जो बड़े बलवान थे, तो सबको अपने वश में किया, देवताओं को, असुरों को, और मनुष्यों में से जो राजा थे उनको। तो राजाओं को वश में कर लिया तो प्रजा क्यों नहीं वश में होगी। तो मनुष्यों को, गंधर्वों को और गरुण को और बड़े बड़े सर्पों को, सिद्ध सिद्धों को, चारणों को, विद्याधरों को, ऋषियों को, पितरों को और मनुओं को, जक्षों, रक्षों, पिशाचों, भूतों, प्रेतों, सर्व सप्तपति जीता। यहाँ तक कि जगत में जितने भी प्राणियों के नेता थे सबको वशम आनी है, विश्व जीते, विश्व को जीत लिया, सबको अपने वश में कर लिया। जब भगवान सिंहदेव आविर्भूत हुए और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिए, उसके बाद सब देवता लोग आया कर भगवान की स्तुति कर रहे थे दूर से। कोई कोई कह रहे थे सरकार हमसे हिरण्यकश्यपु पालकी ढोवाता था, हमारा ये कर दिया, हमारा ये कर दिया। केवल
तीन लोगों को छोड़ करके सबको नाको दम कर दिया था, कि ब्रह्मा विष्णु और शिव तीन को छोड़ करके और सबकी हालत बिगाड़ दिया हिरण्यकश्यप ने। तो वही यहाँ पर नारद जी वर्णन कर रहे हैं, किसको किसको बस में लिए। बसम आनीय विश्वजीत, संपूर्ण विश्व को विश्वस्त वासियों को अपने बस में कर लिया। जहार लोकपाला नाम स्थानानि सहते, और आठ लोकपाल हैं इस ब्रह्मांड में, जिसमें वरुण, अग्नि, कुबेर, चंद्रमा, सूर्य इत्यादि हैं, इंद्र। तो इनके जो जो पावर थे और इनके स्थान, इनके लिए भगवान ने जगह बनाया है स्थान, उस सब स्थान छीन लिया और पावर छीन लिया, सारा डिपार्ट। और ये लोग बस छुट्टी पर हो गए, जाओ। एक दिन मालिक थे जगत के, अब कुछ नहीं रहे, अब सब नौकर हो गए हिरण्यकश्यप के। स्थान भी छीन लिया, पद भी छीन लिया सब। और वो जैसा, ऐसा नहीं कि भीख मांग करके और से, तेज से बिना युद्ध किए सब लोग छोड़ छाड़ कर चले। जिसको जो आज्ञा करता था वही देवता लोग करते थे, इतना प्रचंड व्यक्ति थे। कहाँ रहता था इसका वर्णन नारद जी करते हैं। देवो ज्ञान श्री अजुष्टम अध्यात्म त्रिविष्टकम महेंद्र भवनम साक्षा निर्मितम विश्वकर्मणा त्रैलोक लक्ष्मणाय तन अध्युवासाखिल अर्धिमत। यह महेंद्र भवन में रहने लगा, महा इंद्र का भवन। इंद्र का भवन ऐसे ब्रह्मा जी के लोक से इंफेरियर है, लेकिन ब्रह्मा जी का जो लोक है वह मंदिर जैसा है, उसमें भोगों की सुविधा नहीं है, उसमें त्याग है, तप है, भक्ति है। लेकिन इंद्र का जो भवन है उसमें सब प्रकार के परिकारनालिया भरे हुए भोगों के लिए, बहुत सजावट है, और ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं जो संकल्प मात्र से फल देती है। जैसे उस भवन में कोई व्यक्ति बैठा और उसे इच्छा हो कि हम ये चीज खाएं, तो इच्छा होते हुए वस्तु हाजिर है। कोई फोन नहीं दबाना पड़ता कहीं से मंगाने के लिए, फोन नंबर से ऐसे नहीं करना पड़ता। आजकल बहुत से रेस्टोरेंट है, गेस्ट हाउस, होटल है, जहां पर संकल्प से तो नहीं, लेकिन कम से कम कुछ फोन करने से, बटन दबाने से कोई लाता है थाल में सामान, ऐसी व्यवस्था है ना। मैं अपने बॉम्बे मंदिर में सबसे पहले इसको देख कोई चीज चाहिए तो आप फोन कीजिए तो सेवक आ जाता था, क्या चाहिए तो ये चाहिए, जाकर खिलाता। लेकिन संकल्प मात्र से कि आप मन में सोचिए और वस्तु हाजिर हो जाए, ऐसा कहीं नहीं है। मन से चालित होने वाली मशीनें अब तक नहीं बनी है, वॉयस से चालू होने वाली है मशीन, आवाज से चालू हो जाती है, वो टेप रिकॉर्डर भी बंद रहता है और आवाज से चालू हो जाता है, लेकिन मन से चालू हो जाए, हम कुछ मन में सोचे और बस हो जाए, ऐसी मशीन अब तक नहीं बनी। कि बनी है कहीं कहीं ना कहीं टच करना पड़ता है, अथवा आवाज करनी पड़ती है, तब वो काम करता है। लेकिन महेंद्र भवन में, इंद्र के भवन में या देवताओं के और भी भवनों में कोई भी वस्तु संकल्प से प्राप्त हो जाती है, कुछ भी चाहिए तो ऐसा वो भवन है। और उसका निर्माण साक्षात विश्वकर्मा जी ने किया है। विश्वकर्मा जो विश्व के सबसे बड़े शिल्पी हैं, स्वर्ग के मिस्त्री हैं, तो और भवन भी बहुत से बनाए गए हैं, तो उनके डायरेक्शन में बनाए गए हैं, और लोग बनाए हैं। विश्वकर्मा जी साक्षात नहीं बनाए हैं, लेकिन इंद्र का जो भवन है वो अपने हाथ से बनाया है, साक्षात विश्वकर्मणा निर्मित, बहुत सुंदर है। और देवोज्ञान श्रिया, देवताओं के चार वन हैं, नंदन,
सर्वतो भाद्र विभ्राज चैत्र रथ चार वन, वो इंद्र की राजधानी अमरावती के चारों तरफ वन है जिनमें देव वृक्ष लगे हुए हैं। वैसे वृक्ष इस पृथ्वी पर नहीं है। ये सब वृक्ष को हम लोग देखते हैं सब थर्ड क्लास के हैं, न कोई फल है न फूल है कुछ नहीं, वो किसी काम के नहीं, ज्यादा से ज्यादा लकड़ी दे सकते हैं। लेकिन देवताओं के वृक्ष हैं वो केवल फल ही नहीं देते हैं, वो कल्प वृक्ष हैं। कल्प का संकल्प होता है, संकल्प कहिए चाहे कल्प कहिए, कल्प का होता है इच्छा डिजायर, डिजायर ट्री अनुवाद किया है हमेशा। तो कल्प वृक्ष का मतलब संकल्प वृक्ष। यदि किसी वृक्ष से व्यक्ति संकल्प करता है हमको फर्स्ट क्लास का फर्नीचर चाहिए तो सब उपस्थित हो जाते, खूब सुंदर कपड़ा चाहिए, गद्दा चाहिए, कुर्सी चाहिए, ये फ्रिज चाहिए, कुछ भी चाहिए वृक्ष दे देता है। ये भागवत के पंचम स्कंध में लिखा गया इस प्रकार के वृक्ष। और इधर के वृक्ष से तो और छोड़ दीजिए, केवल फल मांगे तब भी दुर्लभ। वो कहे हमको खट्टा ही फल दो लेकिन कुछ दो, वो क्या करेगा। तो पूरे अमेरिका के लोग आ करके यहाँ किसी वृक्ष को हाथ जोड़े पूजा करे कि हमको दो, वो क्या देगा, उसमें जो है वही देगा और क्या दे सकते हैं। लेकिन देवताओं के लोक में ऐसे वृक्ष हैं, तो ऐसे वृक्षों से सुशोभित तो वहां के गार्डन है और उन गार्डन उन बगीचों से सुशोभित इंद्र की राजधानी है। और उस राजधानी के बीच बीच में भी बहुत से बगीचे लगे हैं, तो ऐसे इंद्र के भवन में अधिवास वास करने लगा अखिल रिद्धिमत, समस्त रिद्धियों से संपन्न भवन था। ऐसा लगता था कि तीनों लोक का धन इंद्र के भवन में ही रखा हुआ है। त्रैलोक लक्ष्मेक पद, तीनों लोक में जो धन है उसका एकमात्र स्थान, तो उसी भवन का वर्णन कर रहे हैं जहां हिरण्यकश्यपु रहता था। जत्र विद्रुम सोपाना महामारकता भुवः, विद्रुम मणि की सीढ़ियां बनी हुई थी और महामरकत मणि का फर्श बना हुआ था, फ्लोर। तो क्या कहते हैं फर्श कहते हैं हम लोग, नीचे की जो भूमि थी जैसे मार्बल की नहीं, महामरकत मणि सांवले रंग की मणि होती है। हमने जाकर के दुकान पर देखा था एक बार कलकत्ता में, मेरे मन में इच्छा हुई कि भगवान के शरीर के उपमा दी जाती है मरकत मणि से, तो मैं जरा देखना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा बड़ी दुकान थी, पहले तो लोग डर गए कि साधु के भेष में कोई डाकू आया है देखना चाहता है, लेकिन मैं इंसिस्ट हो गया कहा कि नहीं मैं एक बार देखना चाहता हूँ। और बाद में मैं इंसिस्ट हुआ तो एक वैष्णव थे उसमें, उनसे मैं बताया कि बारंबार भगवान के शरीर की उपमा दी जाती है मरकत मणि से, जरा मैं देखना चाहता हूँ कैसी होती है। सोना तो देखा हूँ बार बार लेकिन मरकत मणि नहीं देखा, वो दिखाए ये कोई सावला छोटा सा दिखा है। और इंद्र का धन पूरा उसी पत्थर से मढ़ा गया है, उसी रत्न से मढ़ा गया है। और विद्रुम मणि की सीढ़ियां बनी सोपान, जत्रस्फाटिक कुड्यानी और स्फटिक मणि की दीवाले बनी हुई है। कुछ लोग स्फटिक मणि मार्बल को कहते हैं, ये संगमरमर को, लेकिन ये तो साधारण पत्थर है वास्तव में। स्फटिक मणि ऐसा पत्थर है जिसके बिल्कुल इस पार से उस पार पूरा दिखाई देते हैं, अगर बहुत मोटी चट्टान भी होगी उस पत्थर की तब भी आर पार दिखाई देगा शीशा की तरफ, इसको स्फटिक मणि कहते हैं। तो स्फटिक मणि की दीवाले वैदुर्ज स्तंभ पंक्ति और वैदुर्ज मणि के खंभे लगे हुए थे उस भवन में, लगे हैं अभी भी है वो भवन, जिन जो पुण्य करते हैं वे जाते हैं वहां पर। जत्र चित्र बितानानी पद्म रागासनानी, और चित्र बितानानी भवन में बहुत सुंदर
कपड़ों के चंदोवे ताने गए हैं, बितान ताने गए हैं, और पद्म राग आसन के पद्म राग मणि के आसन बने हैं, जो कुर्सी पलंग बेंच जो बने हैं पद्म राग मणि के। फलपय फेन निभा सज्जा, और जो सज्जाएं हैं वहां सयते अश्विनी की सज्जा, जिस पर लोग सोते हैं उसे सज्जा कहते हैं। तो सज्जा बिल्कुल निर्मल उज्ज्वल, उसकी उपमा दे रहे हैं नारद मुनि, वो तो देख करके वर्णन कर रहे हैं, देखे हुए हैं सब। तो कहते पय फेन निभा, पय फेन दूध के फेन के समान उज्ज्वल और कोमल सज्जाए। हम लोगों में किसी किसी ने दूध दुहा होगा तो समझ सकते हैं, गांव के लोग भागवत जल्दी समझेंगे। हम लोग तो देखे हैं, दूहे भी हैं गाय, तो हेन जो निकलता है कितना कोमल और कितना धवल उज्ज्वल होता है, इतना स्वच्छ और इतना कोमल सज्जाएं होती। एक बार एक व्यक्ति सुना तो कहा तुम्हारे तो उस पर बैठने वाले फंस जाते होंगे। तो इतना कोमल सज्जा दूध के फेन के समान और स्वच्छ, इस प्रकार की सज्जाएं हैं स्वर्ग में। और मुक्ता दान परिचदा, मोती की मालाएं उस भवन में सब जगह लटकाई गई। जैया तो भवन का वर्णन हुआ, और भवन का सार क्या है, सारे जगत में कहीं भी कोई जाए, चाहे स्वर्ग हो चाहे पाताल हो चाहे पृथ्वी हो, भागवत में वर्णन किया गया है भवन खूब सुंदर सजा हो, लेकिन अगर उस भवन में स्त्रियां न हो तो दिन घर में घर भूत के डेरा। यदि उस घर में स्त्री न हो तो वो घर भूत का डेरा माना जाएगा, चाहे कितना भी सजा हो। तो अब स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं कि उस भवन में कैसे स्त्रियां रहती थी। कुजद भी नूपुर दिव्य शब्द अंत्यतः रत्नस्थली सुपश्यंती सुदति ही सुंदर मुखम। उसे भवन में जहां तहां देवियां घुमा करती थी, स्त्रियों से भरपूर वह स्वर्ग लोक है। उनका वर्णन करते हैं उनके नूपुर शब्द अंतर, बहुत से अलंकार धारण करती हैं, विशेष करके चरण में नूपुर और हाथों में बलय कंगन, ये सब आवाज करते रहते हैं, जहां चलते हैं वहां आवाज करते हैं। और रत्न स्थली सु दीवालों में और नीचे भी फर्श पर भी वे अपने सुंदर मुख को देखा करते हैं, उन्हें दर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतनी दीवालें स्वच्छ हैं कि उसमें अपने सुंदर मुखम अपने सुंदर मुख को देखा करते हैं, सुदति सुंदर सुंदर दांत वाली स्त्रियां। ये स्त्रियों का वर्णन किया गया। तस्मिन महेंद्र भवने महाबलो महामनो महामना निर्जित लोक एक रात, उसी महेंद्र भवन में यह रहने लगा है उनका। तो उसी में कीर्तन करता तो अच्छा होता है, लेकिन वो केवल भोगों के लिए रहने लगा। तस्मिन महेंद्र भवने, उसी महेंद्र भवन में महाबलो महाबलवान महामना और भोगों के प्रति जिसके मन में बहुत उत्साह था रहने लगा। निर्जित लोक, समस्त लोगों को बस में कर लिया था, और एक रात अकेला सम्राट था, रे में रमण करता था उस भवन में। रमण कई तरह से होता है, जैसे झूला झूलना या गीत सुनना, कुछ खाना पीना, कभी मन में आता था तो पलंग पर सो जाता था, इस तरह से देह के सुख में पड़ा हुआ। और सब लोग इसके चरण की वंदना करते थे। कौन कौन? रेने भी वंद्यान ऋजुगम जुग सुराद भी, देवता आदि सभी इसके चरणों की वंदना करते थे। नारद आदि भी आकर के वंदना करते थे। नारद जी खुद कहते हैं कि मैं उनमें प्रधान था उसकी सेवा करने वालों में। तो हम लोगों की सेवा क्या थी? हम लोग वीणा बजा बजा कर उसका गुण गाया करते थे।
नारद जी तो जानते थे कि भगवान का पार्षद है, इसलिए गाओ कोई बात नहीं। तो देवता आदि सब सेवा करते थे प्रताप तय रूर्जित चंद्र शासन, क्योंकि सब डरते थे इसके उग्र शासन से। हाजिरी देते रहते थे सरकार, मैं आपकी सेवा में हूँ, आपकी सेवा में हूँ, आपकी सेवा में, इस तरह का शासन। तमंग मत्तम मधुनोरु गंधिना विवृत ताम्राक्ष मस्तिष्क धिष्णे का उपास तो या यंपाणी भी बिना त्रिभिष्ट को जो बलव जसान कदम। यह प्रायः बहुत उत्कट गंध वाली मदिरा पी करके बिल्कुल मत्त रहता है। इस संसार में बहुत बहुत भोग हैं, लेकिन स्वर्ग की भी दशा बता रहे हैं। हिरण्यकश्यपु स्वर्ग में भी गया है तो शराब नहीं छोड़ा है। तो देवता लोग शराब नहीं पीते हैं, वो दूसरा बहुत विशुद्ध रस पीते हैं, लेकिन यह उरु गंध है, मधुना उरु गंधिना, जिसमें बहुत सुंदर गंध थी, उस सुगंधित मदिरा को पी करके मत रहता है प्राय। और उसके कारण विविध ताम्राक्ष, इसकी आंखें तांबे के समान लाल रहती थी, घूमती रहती थी, मदिरा पी करके रहते हैं। और अशेष भीष्णता, और जितने भी लोकपाल थे और सब लोग थे, सब अपने हाथों में विविध उपहार की वस्तुएं लेकर इसे प्रणाम करते थे, इसकी सेवा करते थे। त्रिवीर बिना, केवल तीन के बिना, मतलब ब्रह्मा विष्णु और शिव को छोड़कर बाकी सब लोग, तब शंकादि तो आ ही गए इसमें, जिन लोगों ने साथ दिया था वैकुंठ में जाकर के, वे अब यहाँ पर हाजिरी लगा रहे थे, वे लोग जय बोल रहे थे, पूजा कर रहे थे, हिरण्यकश्यपु वहां प्रणाम नहीं किए। तब कर कई साल तक जगुर महेंद्र सन्मोज शास्त्रित महेंद्रासनम स्थितम, महेंद्र के आसन पर यह बैठा रहता था। तो किस तरह से लोग सेवा करते थे बता रहे हैं, विश्वावसु तुम्बरु अस्मदादे। नारद जी कहते हैं कि हम और भी लोग, और तुम्बरु और विश्वावसु गंधर्वादी सब गा रहे थे उसकी कीर्ति को। लोग बैठता था इंद्र के आसन पर तो हम सब लोग गा रहे थे। अस्मदादय का अर्थ है अस्मत आदि, जैसा मैं जिनमें प्रधान था, गाने वालों में नारद जी सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान की कीर्ति न गा करके हिरण्यकश्यपु की कीर्ति गानी पड़ती। हम सब लोग गा रहे थे, विश्वावसु गंधर्वों में सबसे श्रेष्ठ है, और तुम्बरु एक गंधर्व है जो नारद जी के मित्र हैं। तो ये सब लोग बहुत सुंदर ताम तरंग से हिरण्यकश्यपु की कीर्ति गा रहे थे। पता नहीं उसका महामंत्र क्या होगा जो गाते रहते हैं, उसकी कीर्ति संस्कृत के छंदों में लोग गाते होंगे कि इतने महान हैं, इतने प्रतापी हैं, आपके सामने इंद्र कुछ नहीं है, ये नहीं वो नहीं, हम आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं, आप हम पर प्रसन्न रहिए, यही कहते होंगे और क्या कहते हैं। तो जगु करते गाते रहते थे हम लोग, और गंधर्व सिद्ध है ऋषि अस्तुंभ, गंधर्व और सिद्ध, और हम सब गाते रहते थे, और ऋषय अस्तुअन, ऋषि लोग स्तुति करते रहते थे इसके। और विद्याधरा चरण अप्सरा पांडव, और विद्याधर और अप्सराएं हमेशा डांस करते रहते थे उसके सामने, उसको खुश करने के लिए, मतलब उसके सामने नृत्य गीत और स्तुति चलती रहती थी, और ये सब करने वाले हम लोग थे, क्या करें, उसके सामने गाना पड़ता था, नाचना पड़ता था, नहीं तो पता लगा कर पिटवाने लगता कि नारद क्यों नहीं उपस्थित हुआ, क्यों नहीं आया, क्या कर रहा है। तो ये लोग दिखाते थे कि सरकार हमको विष्णु से कोई मतलब नहीं, हम तो आपके भक्त हैं। इतना प्रचंड शासन उसका। सये सब वर्णाश्रम भी कृत भी भूरी दक्ष रही ईद जिमानो हरि भागन अग्रहित स्वेण तेसा। तो इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य हवन करते थे, यज्ञ करते थे विविध प्रकार से, तो यज्ञ का भोक्ता वही बना हुआ था, और सब देवताओं को कुछ नहीं मिल रहा,
यज्ञ का भाग वो ग्रहण कर रहा है अपने तेज से। ये प्रबल प्रचंड शासन था। अकृष्ट पच्या तस्या से सप्त द्वीपवती नहीं, सात द्वीपों से युक्त यह पृथ्वी है, लेकिन अकृष्ट पच्या बिना जोते ही सारा फसल दे रहे थे उसके भैंस, और फर्टिलाइजर डालने का तो कोई सवाल ही नहीं था, खाद और पानी दिया जाए। अकृष्ट पच्या, अकृष्ट कृष्ट का अर्थ जोतना, कल्टीवेट करना, बिना जोते ही पृथ्वी फसल दे रही थी, और साफ साफ जगह, कोई भी एक इंच भी जगह नहीं था जो कि बंजर रह जाए, बंजर भूमि में भी पैदा देना होता था। केवल अनाज ही नहीं, और भी बहुत सी चीजें देनी पड़ती थी। तथा काम दुघा गाव, गौएं मन जितनी इच्छा होती थी उतनी दूध देती थी, गौएं मनमाना दूध देती थी, और नाना चल कदम में और आकाश को भी देना पड़ता था कुछ, आकाश से जो कुछ भी होता है जैसे वर्षा होना और सब चीज, तो समय पर वर्षा होती थी, अब जितना पानी चाहे उतनी ही वर्षा होती थी, थोड़ा भी अधिक पानी नहीं बरसा सकते थे मेघ, और क्या मजाल थी कि कहीं फसल सूख जाए और न बरसावे, कहना नहीं पड़ता था, इसके भय से सब लोग कार्य कर रहे थे। रत्नाकराश्च रत्न उभा, रत्नाकर समुद्र अपने तरंगों से रत्न ला ला करके तट पर डाला करते थे हिरण्यकश्यप के डर से, एक भी व्यक्ति एक बार डुबकी नहीं लगाया होगा रत्न खोजने के लिए, समुद्र इतना डरते थे इसे। अपने रत्नों को अपने लहरों से लाकर तट पर जमा कर देते थे, जिसको जो जरूरत थी ले जाता, और नदियां भी तत्पत्नियां, समुद्र की पत्नियां नदियां भी विविध प्रकार के रसों को और अपने उर्मियों से लाते थे, रत्न और विविध प्रकार के रस और कमल पुष्प आदि खिलाते थे। क्षार सिंधु घृत छद्र दधि क्षीर मृतोद का, और नदी और समुद्र कैसे हो गए थे, किसी किसी सरोवर में या समुद्र में केवल अमृत भर गया, कहीं केवल घी भर गया, तो जरूरी नहीं था कि गाय से घी लिया जाए, नदियां डर के मारे घी दे रही थी, मधु दे रही थी, दूध दे रही थी, अमृत दे रही थी। समझ में नहीं आता है क्या भय था और कैसे नदियां दे सकती हैं, लेकिन जब नारद जी कह रहे हैं कथा में तो सब बातें सब भय से सब दे रहे। शैला द्रोण भीरा क्रीड़म सर्वतु गुणाम्रमान, और पर्वत जो थे उनकी जो घाटियां थी गुफाएं थी हर एक समय फिट रहती थी क्रीड़ा के लिए, और जितने भी वृक्ष थे सभी ऋतुओं में सब प्रकार का फल फूल दे रहे, एक वृक्ष कई वृक्षों का फूल दे रहा था भय समय, और सभी ऋतु सब समय जरूरत थी फूल को ना, इसलिए फूल देना पड़ता था फल। दधार लोक पाला नाम एक पृथक गुराना, अकेले ही समस्त लोकपालों का तेज धारण करता था, जैसे एक ही व्यक्ति सारा मंत्रिमंडल अपने हाथ में ले ले, किसी को मंत्री ना रहने दे, मिनिस्टर स्वयं ही सारा विभाग ले, ऐसे कभी कभी लोग होते हैं भारतवर्ष में, तो प्राइम मिनिस्टर लोग प्राय दो चार विभाग अपने हाथ में ले लेते तो ये हिरण्यकश्यप तो था सारा विभाग ही अपने हाथ में रखा, अकेले चंद्रमा का काम भी यही करता था, सूर्य का काम भी यही करता था, वरुण देव का, अग्नि का, जमराज का भी काम नहीं करता, इसके आज्ञा के बिना कोई मारा नहीं जा सकता, सनेक जमराज जी किसी को मार दे इसकी जानकारी के बिना और परमिशन के बिना सारा डिपार्ट हाथ में लिया, इस प्रकार से समस्त दिशाओं को जीत लिया था, और प्रियान विषयान जथोप जो संभुन जाना, और जहां तक मन प्रसन्न हो सकता था इसका सब प्रकार के विषयों को भोग रहा था। विषय को भोगने का मतलब कुछ खाना, कुछ देखना, सुनना, तो आज भी जगत में लोग क्या कर रहे हैं, विषयों को भोग रहे, टीवी देखना घंटों घंटों, फिर किस
कान से सुनना, जीवा से खाना, कुछ टच करना, मतलब कोमल गद्दा पर सोना और सब स्पर्श इंद्रिय, तो कभी स्पर्श करते हैं, कभी सुनते हैं, कभी खाते हैं, कभी सुनते हैं। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु इस जगत के प्राकृतिक विषयों को जहां तक इसका मन प्रसन्न हो सकता था, प्रिय से प्रिय विषयों को भोगता रहा, लेकिन न अतृप्त, प्रसन्न नहीं हुआ, तृप्त नहीं हुआ। क्यों? अजितेन्द्रिय, क्योंकि इसका मन इसके वश में नहीं था। जिस व्यक्ति का मन अपने वश में नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है, वो संसार के सारे विषय मिल जाए फिर भी वो सुखी नहीं हो सकता है। वो इतना भोग भोगा, विश्व का राजा था, लेकिन न अतृप्त, तृप्त नहीं हुआ, तो फिर आज का व्यक्ति कैसे तृप्त हो सकता है? उसको तो कोई भोग मिल ही नहीं रहा। हिरण्यकश्यपु को तो सब कुछ मिल रहा, लेकिन फिर भी मन खुश नहीं हुआ। एवं ऐश्वर्य मत्तस्य, इस प्रकार वह ऐश्वर्य से बिल्कुल मत्त हो गया और दृप्त हो गया। उसे बड़ा गर्व था कि मैं बलवान हूं, और इस कारण से उच्छास्त्रवर्ती शास्त्र के नियमों की अवहेलना करने लगा। पढ़ पढ़ करके शास्त्र के नियम की अवहेलना करता था। बहुत बड़ा विद्वान पढ़ता था कि शास्त्र में लिखा गया है उसके ठीक उल्टा करना, देखता था कि क्या क्या लिखा गया है और ठीक उसके उल्टा करता। हम लोगों के मंदिरों में सवेरे रोज पढ़ा जाता है नामापराध, प्रत्येक वैष्णव को उस नामापराध से बचना चाहिए। एक दिन एक भक्त एक मंदिर में पूछा, हमसे पूछा कि महाराज नामापराध पढ़ा जाता है याद करके करने के लिए कि बचने के लिए? अजीब अजीब प्रश्न कि रोज पढ़ा जाता है ताजा ताजा रहे, याद रहे, दसों अपराध करने के लिए कि बचने के लिए? तो मैं तो उसके प्रश्न ही पढ़े नहीं समझा क्या कह रहा है। तो वो कह रहा था, बहुत से लोग रोज पढ़ते हैं और करते रहते हैं, कि करने के लिए क्या रोज याद किया जाता है? जो कुछ भी हो वास्तव में तो बचने के लिए पाठ किया जाता है, ये अपराध है, ये अपराध है, इसे बचना चाहिए। लेकिन हिरण्यकश्यपु शास्त्र रोज पढ़ता था उसका उल्टा करने के लिए, ये नियम है तो ठीक उसका उल्टा। और लोगों ने बताया था कि शास्त्र जो है विष्णु की आज्ञा है, कृष्ण की आज्ञा है शास्त्र, इसीलिए शास्त्र के ठीक उल्टा करना। उच्छास्त्रवर्ती में उच्छास्त्रवर्ती शास्त्र से बिल्कुल ऊपर उठा हुआ, मतलब अवहेलना कर रहा है। तो इस तरह से कालो महान व्यतीत आया, बहुत काल बीत गया, ब्रह्म शाप उपेश, मूल कारण तो ब्राह्मण का साप था शंकादि का, तो इस कारण से बहुत काल तक इस तरह बीता। तस्योग्र दंड संविघ्न, उसके उग्र दंड से शासन से देवता बहुत भयभीत हो गए, सभी लोग त्रस्त हो गए। और जब अन्यत्र अलभ्य शरणा, जब कहीं भी शरण नहीं मिला, किसी को कोई रक्षा नहीं कर रहा था, तो शरणम जयु रचितम, तब भगवान विष्णु की शरण गए। वास्तव में किसी को कहीं शरण नहीं मिल सकती है तो भगवान शरण देते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने एक श्लोक कहा है द्वितीय स्कंध में, वो कहते हैं क्यों लोग धनांधों के पीछे रहते हैं, अकस्मात भजन के कवयो धनदुर मदान। तो वो कहते हैं क्या चिराणि पथिन संति, क्या अपनी लज्जा ढकने के लिए वस्त्र चाहिए तो वस्त्र खंड क्या रास्ते में नहीं मिलते हैं? कहीं से कुछ ले और पहन ले, चिराण किम पथिन संति, क्या वस्त्र के खंड रास्ते में नहीं मिलते हैं? और क्या पीने के लिए नदियों का पानी सूख गया है, पीने के लिए पानी बह रहा है, नदियों रहने के लिए पर्वतों की गुफाएं हैं,
खाने के लिए वृक्षों में फल हैं और न सही, मान लीजिए सब में फल वृक्ष फल नहीं दे रहे, नदियों का पानी पोल्यूटेड हो गया, जो कुछ भी हो गया, या पर्वतों की गुफाएं नहीं रही, वस्त्र भी नहीं रहे रोड पर, अमेरिका के रोड पर तो एक भी छूता नहीं मिलेगा, वस्त्र कहाँ से मिलेगा। भारत में कम से कम मिलता है, हम राजस्थान गुजरात में देखे तो कई वृक्षों में ऐसे कपड़े लटका कर छोड़ दिए गए। कोई सन्यासी पहनना चाहे, लज्जा ढकना चाहे, तो उसको आसानी से वस्त्र मिल जाए। लेकिन अंत में कहते मान लीजिए कुछ भी न मिले, क्या भगवान कृष्ण भी अपने शरणागत का धरण नहीं करते हैं क्या? क्या वो भी छोड़ दिए है? ऐसा तो है नहीं, तो और कहीं नहीं शरण मिले किसी को, तो भगवान कृष्ण तो हैं। हरे को हरिनाम कि देवताओं को या अन्य जीव कहीं शरण नहीं मिला, तब शरणम ययु अच्युतम, अच्युत की शरण में गए। मतलब अच्युत के पास नहीं गए, अच्युत की शरण लिए जहां थे वहीं से भगवान को पुकारने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत प्रार्थना किए तो तस्मै नमस्तु काष्ठायै जत्रात्मा हरिरीश्वर। देवता कहते हम उस दिशा को, डायरेक्शन को प्रणाम कर रहे हैं जिस दिशा में भगवान हरि हैं, जिधर है उसको प्रणाम कर रहे हैं। जग गत्वा न निवर्तन्ते शांता सन्यासी मंगला, जिनको प्राप्त करके सन्यासी, सन्यासी का अर्थ होता है जो अपने मन शरीर वचन धन घर स्त्री सबको भगवान को अर्पित कर चुके हैं, उनको सन्यासी कहते हैं। तो भगवान को समर्पण करने वाले शांत और निर्वाही लोग जिस लोक को प्राप्त करके फिर इस जगत में नहीं लौटते हैं, भगवान के उस धाम को हम प्रणाम कर रहे हैं जहाँ भगवान रहते हैं, बारंबार यही कह रहे हैं। इस प्रकार से संयत चित होकर और निर्मल रह करके और बहुत दिन तक सोए नहीं, देवता दिनिद्रा वायु भोजन, बहुत दिन तक सोए नहीं और हवा ही भोजन कर रहे। वायु भोजन का मतलब जिनका भोजन केवल हवा, सांस भर ले रहे थे, इसका मतलब यह वायु कोई खाएगा क्या? सांस ले रहे थे बस, खाए पिए नहीं, बहुत काल तक जगे रहे और इस प्रकार से उपतस्थ हृषि के सब भगवान की आराधना की। देवता थे लेकिन इनको भोजन नहीं मिल रहा था, विनिद्रा और सोए नहीं। तो बिना सोए और बिना खाए जो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान क्यों नहीं प्रसन्न हो जाएंगे? अब तो लोग खा करके भी नहीं कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति कह रहा था कथा में कि भूखे भजन में होई गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। कोई व्यक्ति कह रहा है कृष्ण से, गोपाल जी से, कि भूखे भजन नहीं होगा, अपनी माला कंठी ले लो। तो हम लोगों पर व्यंग कर रहा है, ये तभी तक आप लोग कर रहे हैं जब तक खाने को मिल रहा है। मैं कहा कि तुमको खाने को नहीं मिला है क्या? कभी तुम भूखे मर रहे हो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? भूखे भजन नहीं होगा तो खा करके करो। मैं कहा तुमको आज तक भोजन नहीं मिला है क्या? तुम खा करके करो, हम लोग तो भूखे भी करते हैं क्या? एकादशी को हम लोग भजन नहीं करते हैं, एकादशी को तो और 25 वाला करते हैं। भूख गुरु पूजा है, आरती है, जप है, भूख में भजन नहीं करते हैं क्या? बल्कि हम लोग तो देखते हैं खाने के बाद भजन नहीं होता है, खाने के बाद आलस आ जाता है, सो जाते हैं। भूख में अच्छा भजन होता है, ये देखा गया सत्य है। तो देवता लोग भूखे रहकर भजन किए, विनिद्रा और बिना निद्रा के, और भगवान के उपतस्थ, उपतस्थ का अर्थ है नाम उच्चारण किए, स्तुति किए। अरे वह भक्त कितना धन्य है कि मान लीजिए उसे भूख भी लगी है
और रात में नींद भी आ रही लेकिन निद्रा छोड़ कर तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जपता जा रहा है जपते जपते भोर हो जाए। वो सो करके उतना सुख प्राप्त नहीं करेगा जो जप करके उसे सुख की अनुभूति होगी, है ना। ये हम लोगों ने देखा है करके किस तरह से सवेरा होने पर एक मिनट सोए नहीं लेकिन सवेरे आनंद की अनुभूति होती है। अरे आज की रात भगवान के स्मरण में कीर्तन बीत रही, तो देवता लोग बहुत काल तक इस तरह बिना भोजन के और बिना सोए भगवान को कीर्तन करते रहे। तो तेसाम आविर्भूत वाणी अरूपा मेघ नहीं सुना, तो उनके समक्ष एक अरूपा बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन मेघ के समान गंभीर वाणी में यह आवाज हुई जो दसों दिशाओं को गुंजा रही थी। मतलब भगवान बोले, भगवान के मुख की ध्वनि बादल के गर्जन के समान है। तो बादल गरजता है तो उसको माइक की जरूरत नहीं पड़ती है बहुत दूर तक आवाज फैलाने में। पहले के लोग ऐसे बोलते, अब बोली बहुत कम हो गई इसीलिए ये सब लाउड स्पीकर आदि की जरूरत पड़ती है। तो सन्नादयंती कपुभ, दिशाओं को प्रतिध्वनित करती हुई आवाज आई, साधु नाम अभयंकरी। और वाणी कैसी थी जो सज्जनों को निर्भय कर रही थी। भगवान बोले आकाशवाणी में, माँ भैष्ट विरुद्ध श्रेष्ठा सर्वेशां भद्रमस्तु वह, हे देव श्रेष्ठ आप भय मत करो, सबका कल्याण हो। मत दर्शन ही भूता नाम सर्वश्रेयोपपत्तये, मेरा दर्शन मेरा ज्ञान जीवों के सब प्रकार के कल्याण का कारण है। आप जिससे उद्विग्न है उसके दुरात्मता को उसकी दुष्टता को मैं जानता हूँ। आकाशवाणी कह रहे मतलब भगवान कह रहे, ज्ञातम एतस्य दौरात्म्यम, एतस्य दौरात्म्यम, एतस्य हिरण कशिपो दौरात्म्यम दुष्टता ज्ञातम, इसकी दुष्टता मुझे मालूम है, मुझे ज्ञात है। आप लोगों की प्रार्थना के पहले से ही मुझे इसकी दुष्टता ज्ञात है, या दैत्यों में अधम है। तस्य शांतिं करिष्यामि, मैं उसे शांत करूंगा, उसका वध करूंगा। कालम तावत प्रतीक्षित, तब तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, अब समय बहुत शीघ्र आएगा जब मैं उसको शांत कर दूंगा। मानो देवता आकाश की तरफ मुंह करके कहें उसमें कब शांत करेंगे, कब मारेंगे हिरण्यकश्यपु को। तो भगवान कहते हैं, जदा देवेशु वेदेशु गोसु विप्रेशु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। कोई भी व्यक्ति जो देवताओं से और वेदों से गौओं से ब्राह्मणों से और साधुओं से धर्म से और मुझसे द्वेष करता है वह जल्दी नष्ट हो जाता है। ये सिद्धांत भगवान बता रहे हैं आकाशवाणी। कोई व्यक्ति जो देवताओं से द्वेष करता है और वैदिक ग्रंथों से इनको नहीं मानता है और गौओं से ब्राह्मणों से वैष्णवों से धर्म से और मुझसे विद्वेष करता है तो वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। यह तो कोई खास टाइम नहीं दिया भगवान ने, स्पष्ट बताइए कि कब हिरण्यकश्यपु मरेगा। तो भगवान कहे साथ, निर्वैराय शांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय जदाद्रोहिये धनिष्येति वरोजितम्। जिस समय यह अपने पुत्र को मारना चाहेगा उसी समय मैं उसको मार दूंगा। किस पुत्र को? भगवान ने कहा प्रहलादाय, जिस समय प्रहलाद का वध करना चाहेगा मैं उसी समय इसको मार दूंगा। कथम भूताय प्रहलादाय, प्रहलाद कैसे हैं? तो निर्वैर, प्रहलाद महाराज का हिरण्यकश्यपु से भी वैर नहीं, किसी भी जीव से नहीं, सबके हितैषी थे और भोगों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। ये महात्मा थे, महान पुरुष थे। तो ऐसे महात्मा प्रशांत और निर्वैर
प्रहलाद से जिस दिन वैर करेगा, उनको मारना चाहेगा, उसी दिन मैं उसका वध कर दूंगा। भले ब्रह्मा ने वर दिया है तो क्या। देवताओं ने कहा कि अरे ब्रह्मा ने तो वर दिया है नहीं मरने का, तो भगवान कहा कि अपि वरोर्जित, वर के कारण वह उर्जित है, बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं मार दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास है उपाय। ब्रह्मा के वर की भी रक्षा रहेगी और मर भी जाएगा, ये भगवान सूचित किए, मैं मार दूंगा। इसी पर अब तब ये इस तरह से वातावरण पैदा किया नारद जी ने कि यह मारे प्रहलाद को। नारद जी तो जान गए कि जिस दिन ये मारना चाहेगा उसी दिन भगवान उसका वध करेंगे। तो उसके पहले प्रहलाद को बहुत मरवाने का प्रयास किया, लेकिन जिस दिन अपने हाथ से मारना चाहता था खंभा में बांध कर, उसी दिन सिंहदेव प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। आकाशवाणी में भगवान ने निश्चित डेट जैसा कर दिया कि जिस दिन प्रहलाद को मारना चाहेगा उसी दिन मैं मार दूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। तो नारद जी एक कथा सुनकर कहते हैं, इतुक्ता लोक गुरुणा, समस्त विश्व के गुरु हितैषी भगवान की यह बात सुनकर देवताओं ने साष्टांग प्रणाम किया पृथ्वी पर लौट कर भगवान के, यदि भगवान को देख नहीं रहे थे लेकिन कितना विश्वास है देवताओं। आजकल के लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, अब दिखाओ हमको, तुमने देखने की क्या योग्यता है, दिखाओ दिखाओ। हम लोग तो भगवान को नहीं देख रहे हैं लेकिन उनके गीता पर पूर्ण विश्वास, भगवान की वाणी। और यदि भगवान को हम देख भी लें तो कैसे पहचानेंगे। किसी के मन जैसे जा रहा है बाजार में और भगवान भी उधर से आ रहे हैं, वो कैसे पहचानेगा कि ये भगवान है। वो जानता नहीं भगवान की चार भुजाएं होती है, पीताम्बर पहनते हैं, कुंडल कान में है, ये है वो। वास्तव में भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं है, भगवान दिखाई पड़ जाएंगे जब हम लोग गुरु की बात पर, शास्त्र की बात पर विश्वास करेंगे, तब उनका दर्शन होता है। हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में अभी भी ये प्रथा है कि किसी लड़की का विवाह उसके पिताजी करते हैं या उसके चाचा मामा जो होते हैं वे लड़का देखने जाते हैं, ढूंढते हैं वर। अभी भी है ना, सब जगह परंपरा है। बच्ची अपने घर में रहती है, वो अपना दुल्हा ढूंढने नहीं जाती, वो अपना वर अपना पति ढूंढने नहीं जाती, पिताजी जाते हैं। और बच्ची घर में बैठी रहती है, पिताजी आते हैं, उसके माँ से कहते हैं कि हाँ यहाँ पर एक लड़का है, उसका उसके साथ हमारी बेटी का विवाह होगा, मैंने निश्चित कर दिया। लेकिन बेटी ये नहीं पूछने जाती, नहीं नहीं मैं देखूंगी तब मानूंगी, मुझे क्या विश्वास। वो अपने पिता के आंख पर अपनी आंखों से ज्यादा भरोसा करती है, उसे विश्वास है कि हमारे पिताजी हमें धोखा नहीं देंगे, हमारे लिए योग्य वर वे ढूंढेंगे, है ना। अभी भी है ये बात, हम लोगों के गांव में तो एक भी लड़की आज तक ऐसी नहीं हुई जो यह कहे कि मैं पति को देखना चाहती हूँ। अभी भी वो अपने पति पर, अपने पिता पर विश्वास करती है। और कदाचित मान लीजिए जिस लड़के के साथ इसका विवाह निश्चित किया गया है, वह लड़का कभी दिखाई भी पड़ जाए उससे, तो वो क्या पहचानेगी कि यही मेरा पति। ये नहीं बताया जाएगा कि ये तुम्हारा पति है, इसी के साथ तुम्हारा विवाह होना है। ये न बताया जाए तो ऐसे चलते चलते भेद भी हो जाए तो वो क्या जानेगा। तो वह जैसे बच्ची अपने पिता के आंख पर, ज्ञान पर, बुद्धि पर पूर्ण आश्रित रहती है, उसी तरह से हम लोग शास्त्र पर आश्रित रहते हैं। शास्त्र पर विश्वास है कि यह कृष्ण से मिलाने वाला है। जैसे श्रीमद् भागवतम बीच में है, मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, हम दोनों इस पर आश्रित, यह सुनने योग्य है, सुनने से भगवान कृष्ण मिलेंगे, इसीलिए सुना जा रहा है, इस पर हम लोगों को विश्वास है। तो शास्त्र जो है वही भगवान की प्राप्ति कराता है, तो शास्त्र पर विश्वास करना चाहिए, फिर भगवान से भेंट होगी। एक दिन वह समय आता है तो लड़की अपने पिता पर आश्रित रहती है, तो पिताजी उसको उसके पति के घर भेजते हैं,
और वह एक दिन अपने पति का साक्षात्कार करती है, सेवा करती है, सुख से रहती है। लेकिन शुरू में तो लड़की ऐसा नहीं तर्क करती, नहीं नहीं मैं देखूंगी तब मानूंगी, मैं विश्वास नहीं करती हूँ, ये नहीं वो नहीं, ऐसा तो नहीं करती। तो हम लोग इस तरह विश्वास करते हैं। हमसे तो कई लोग पूछते हैं आप भगवान को देखे हैं, तो हम तो कहते हैं हाँ देखे हैं, धर्मशास्त्र की आंख से देखे हैं, हम इस आंख से नहीं देखे, इस आंख से भी देख रहे हैं श्री विग्रह, लेकिन रियली जो भगवान के की लीलाएं हैं और वास्तव में उनका जो दिव्य सौंदर्य है, स्वभाव हो, तो हम शास्त्र से देख रहे हैं। शास्त्र धोखा नहीं दे सकता। जैसे कोई पुत्री अपने पिता पर भरोसा करती है और कोई आ करके कुछ उसको भड़काए और कहे तुम अपने पति को देखी हो, तब क्यों, अगर वो कहे कि नहीं नहीं देखी हूं, तब तुम कैसे संतोष करके बैठी हो? तुमको अपने पिता पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और जिस दिन वो अविश्वास करे तो उस लड़की की क्या गति होगी बताइए? तो क्या वो घूमना चालू करेगा कि अपने पति को ढूंढने के लिए ढूंढ ले, पूरे पूरे शहर में घूम घूम करके पूछा करे, आर यू माई हस्बैंड, मान लीजिए पूछा करे, तो क्या वो पता चल जाएगा उसे? कोई भी आदमी सुनेगा तो कहेगा कि पगली हो गई, क्या है ना, कुछ नहीं। लेकिन जो बच्ची अपने पिता पर भरोसा करके बैठी रहती है तो एक दिन तो पति के घर जाती ही है। और हम समझते हैं कि आप लोगों में भी बहुत लोग, अधिकांश लोगों का विवाह ऐसे ही हुआ होगा। यद्यपि आप लोग पश्चात जगत में आ चुके हैं इधर, लेकिन फिर भी इसमें से अधिकांश का विवाह इसी विधि से हुआ होगा। माता पिता नहीं लड़की का विवाह किया होगा। अब के लोग तो एडवांस हो गए, ज्यादा वो लोग अपने मन से किया करते हैं, लेकिन प्राय ऐसे हैं गांव में अभी भी यही विधि है। वास्तव में हम लोग भगवान को देख रहे हैं, जैसे बच्ची घर में बैठी रहती है अपने पिता के आंख से अपने वर को देख रही है। तो ऐसा जाकर नहीं कह सकता कि नहीं नहीं तुम आंख से देख लो तब विश्वास करो, वो अपने से ज्यादा देख रही है अपने पिता के आंख से। उसी तरह हम लोग शास्त्र के आंख से भगवान को देख रहे हैं, उनका सांवला सलोना स्वरूप है, भक्तवत्सल है, बहुत बड़े वीर हैं, धनी हैं, सब कुछ हैं। ये शास्त्र से भागवत से हम देख रहे हैं और भागवत की आंख हमारी इन आंखों से बलवान है, तो विश्वास रखना चाहिए। इस प्रकार लोक गुरु भगवान की बात को स्वीकार किया, देवताओं ने, यदि दर्शन नहीं हुआ लेकिन भगवान की बात पर विश्वास हुआ और वे लोग लौट गए जहां रहते थे वहां। अब उनका भय बीत गया, अब वो मान लिए असुरम हतम। भगवान ने जब कह दिया कि मैं मारूंगा तो ऐसा मान लिए कि वो मर चुका ऐसा मान लिए, मेनिरे च असुरम हतम, अभी मरा नहीं है लेकिन मान लिए कि वो मर ही गया। जब भगवान कह दिए तब अब कोई बात नहीं। तो इस प्रकार हिरण्यकश्यप के तप का वर्णन किया गया और उसके उग्र शासन का, भगवान की वाणी का। अब आगे प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन किया जाएगा कल से। जो टॉपिक यहाँ चलने वाला था वो कल से आ गया। प्रहलाद महाराज के गुणों का डायरेक्ट वर्णन होगा। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और कोई प्रश्न है? गरुड़ का अर्थ वह गरुड़ जी नहीं है जिस पर भगवान सवार रहते हैं। गरुड़ एक जाति भी है, वह पिछले जन्म का हमको कोई खास मालूम नहीं है। कहते हैं कोई राजकुमार थे लेकिन मुझे पूरी पूरी धारणा नहीं। शरीर जो है नष्ट है, एक दिन मरना ही है,
तो हिरण्यकश्यप ने तो जितने वर्षों तक तप किया था उतने वर्षों तक उसका परिवार भी साथ साथ जीवित रहा। हाँ, जिस समय तप करने गया था तो प्रहलाद महाराज गर्भ में थे। हाँ, इतने साल तक। तो ऐसा हुआ कि कयाधि का अपहरण इंद्र ने किया उसके गर्भ का वध करने के लिए, जन्म की प्रतीक्षा करके बच्चे को मारने वाले। तो बाद में नारद जी ने छुड़ा दिया तो कयाधु तब तक प्रसव नहीं की जब तक उसके पति घर पर नहीं आए। नारद जी की कृपा से उसमें शक्ति आ गई। तो प्रहलाद महाराज इतने वर्षों तक अपने माँ के उदर में ही रहे और उदर में रह करके ही नारद जी का प्रवचन सुने। ये सब अद्भुत कथाएं हैं शास्त्र में। प्रहलाद महाराज बहुत वर्षों तक गर्भ में रह गए। तो पहले के लोग बहुत जीवित रहते थे, वो कोई जीवन काल बहुत लंबा नहीं था, लेकिन तपस्या पूर्वक जी रहा था, ये आश्चर्य था। जैसे हम लोग जी रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन कोई आदमी 7-8 दिन पानी न पिए या महीनों पानी न पिए फिर भी जी जाए तो आश्चर्य होगा ना कि 1 महीने से जी गया पानी नहीं पिया या साल भर से पानी नहीं पिया। तो आयु तो उस समय बहुत लंबी लंबी थी ऐसे भी, लेकिन निरंबुर धारे प्राणम ब्रह्मा जी आश्चर्य करने बिना पानी के दिव्य 100 वर्ष तक जी गए। यही तो हिरण्यकश्यप की विशेषता थी। और बाकी और लोग तो खा पी करके जी रहे थे, आराम से रह रहे थे। हम लोगों के शरीर हाँ उनका भी पंच महाभूत बना होता है, लेकिन उनके शरीर में आकाश और अग्नि की प्रधानता होती है, तेजोमय शरीर होता है। और हम लोगों के शरीर में मिट्टी और जल की प्रधानता है, इसलिए आकाश में नहीं रह सकता है, अग्नि में नहीं रह सकते, ऊपर नहीं रह सकते। देवताओं का शरीर पृथ्वी पर उतरता ही नहीं, वो आते भी हैं तो पृथ्वी पर लात नहीं देते, ऊपर रहते हैं। उनका शरीर वायुमय अग्नि में आकाश में होता है, ज्यादा उस मिट्टी नाम मात्र की होती है उनके शरीर की। और हम लोगों के शरीर में तो केवल माटी ही माटी है। हाँ, और ऊपर उठने का प्रयास कीजिए तो धराम से गिर जाए, भारी भरकम शरीर है। लेकिन उनका भी पांच भौतिक, हम लोगों का पांच भौतिक है, तो हम लोगों के शरीर में अग्नि और आकाश आदि की मात्रा बहुत कम है, भूमि की मात्रा ज्यादा है, जल। लेकिन जो भगवान के धाम में पार्षद रहते हैं उनके शरीर में पंच भूत का लेश मात्र नहीं रहता है, सब भगवान की परा प्रकृति दिव्य शक्ति से बना हुआ शरीर है। हाँ, सबका आब्रह्म भुवना लोक का पुनरावर्ती होती है। ब्रह्मा के लोक में भी जो लोग हैं उनका शरीर भी पांच भौतिक है, लेकिन है बड़ा सुत्री है। और पांच भौतिक तो मिट्टी का ढेला भी पांच भौतिक है और सोना का एक टुकड़ा भी पांच भौतिक, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है ना। एक मिट्टी का बना हुआ ईंट है और कहीं सोना उतना बड़ा मिल जाए किसी को, है वो भी पांच भौतिक ही, लेकिन उसमें अग्नि की प्रधानता है सोना में, तो उसका मूल्य बहुत ज्यादा है। जितनी वस्तुएं हम लोग देख रहे हैं, हमारा शरीर और सब कुछ तो पांच भौतिक ही है, लेकिन इसी में किसी का दाम ज्यादा है, किसी का उपयोग ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का कुछ है। सब लोग वहां जूता निकाल करके आ गए, लेकिन अपने पास अगर रुपया पैसा सोना चाहिए होता तो वहां निकाल कर आएंगे नहीं, अगर बाई चांस पर्स छूट जाए तो व्याकुल हो जाएंगे वहां छूटा। वो भी पांच भौतिक है, लेकिन फिर भी उसका वैल्यू ज्यादा है। उसी तरह देवताओं का या ब्रह्म लोक में जो शरीर है बहुत उत्कृष्ट शरीर, मतलब
भौतिक दृष्टि से भी, भजन की दृष्टि से मनुष्य शरीर सबसे अच्छा है। इसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो इसलिए कि इसमें जो इंद्रियां फिट की गई है ईश्वर के द्वारा वो बड़ा बहुत शक्तिशाली है, पकड़ने वाली है। जैसे आंख, कान, जिह्वा, जो कान है तो मनुष्य का कान जो है अन्य जीवों के कान से विलक्षण है। एक गाय को भी कान है, हाथी को भी कान है, और यहां हम लोग बोल रहे हैं वो सुनेंगे भी लेकिन कुछ समझेंगे नहीं कि इसको क्या मतलब हुआ। अब यहाँ पर गाय हाथी सबको हाथ कर लाई और देखेंगे भागवत सत्ता हो रहा है, ये तो जानेंगे भी नहीं कि क्या हो रहा है। यदि आंख है, कान भी है, सब कुछ है, लेकिन बेकार है। लेकिन ये फर्क है ना कि उनको वो भाषा नहीं आती। अभी जैसे यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर मान लो उनको किसी को हिंदी नहीं आती हो तो वो चीज उनकी समझ से भी बाहर है, जैसे उसका मतलब नहीं समझ। मतलब भाषा की समस्या है, लेकिन भाषा मान लीजिए आ रही, भाषा नहीं भी आती है फिर भी आंख से लगभग सब कुछ समझ लेते हैं। जो अंग्रेजी जानने वाले टोटल व्यक्ति हो, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, फिर वो भी जान जाएगा कि कुछ हो रहा है, शांत रहो, आएगा तो हल्ला नहीं करे है ना, वो समझ रहे। लेकिन कुत्ते वगैरह नहीं समझते, कथा होती है और भो 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 कहकर चल, ये नहीं जानते हैं कि हमारे वचन से डिस्टर्ब हो रहा है। उनके पास जो इंद्रियां हैं व्यर्थ है देखने भर के लिए। अच्छा, देवताओं के पास इंद्रियां हैं, मनुष्यों से भी सुपीरियर है, लेकिन देवताओं में व्यवस्था है, वहां इतना भौतिक सुख है, इतना अधिक सुख है कि इंद्रियों का आवेश भोगों की तरफ रहता है, भगवान की तरफ कठिन कठिनाई से आ पाता है, बहुत ज्यादा भोगों की तरफ मन रहता है, उनमें शक्ति तो बहुत ज्यादा है, और ज्यादातर देवता भगवान के भक्त है, श्रेष्ठ है। अब देखिए पर्दा खींचा गया तो सबका मस्तक झुक गया, लेकिन कितना भी उम्र का हाथी हो या गाय हो, बैल हो, वो क्या जानेगा कि इस पर्दा खींचने का क्या मतलब है। यह मनुष्य शरीर की विशेषता है, पर्दा खींचा समझ में आ गया। और कुछ लोग नहीं भी समझेंगे तो दूसरे को दूसरे का मस्तक झुकता हुआ बेहतर झुका देंगे, नहीं भी जानेंगे कि क्या हो रहा है, फिर भी झुका दें, यह मनुष्य शरीर है। इस प्रकार की चेतना अन्य शरीरों में है ही नहीं, लेकिन इसकी अवधि ब्रह्मा जी ने बहुत कम बनाई है, और जब तक है तब तक ज्यादा रोग इसी शरीर में पैदा किया है ब्रह्मा ने, है ना। दूसरे पशुओं को कैंसर हो रहा है कि एड्स हो रहा है क्या पता है, कुछ नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर में तो बहुत रोग है, बहुत रोग, बहुत चिंता, और वो भी जाने वाला है शरीर, ये नहीं कि चिंता के बाद ठहर गए 2-4 लाख बरस तक। इसीलिए जल्दी करना चाहिए भजन। जो लोग जप नहीं कर रहे हैं वो लोग चालू कर दे, और जो कर रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं। भजन का ये मतलब हुआ कुछ भागवत डेली पढ़े सुने, क्योंकि शरीर की शक्ति दिन पर दिन जा रही है, क्षीण होती जा रही है। और कोई प्रश्न है? देवताओं का शरीर भी छूटता है तो फिर क्या करूंगा? हाँ, ऐसे होता है, लेकिन नहीं, देवताओं का शरीर जलाया नहीं जाता है। देवताओं का शरीर जब छूटता है तो वो अपने आप तेज में, आकाश में विलीन हो जाते हैं। हम लोगों का चूंकि मिट्टी प्रधान है इसलिए विलीन जल्दी नहीं होता है, इसलिए इसको जलाना पड़ता है, चाहे मिट्टी में गाड़ना पड़ता है या जल में डालना पड़ता है। देवताओं का शरीर छूटता है तो तत्काल पंचभूत में विलीन हो जाता है।
बिना जलाए अगर देवता भजन नहीं कर सकते क्यों नहीं? देवता तो सबसे ज्यादा भजन करते हैं, चाहते हैं कि सभी नहीं चाहते हैं, जो लोग मैनेजमेंट में हैं वे लोग चाहते हैं, उनको फुर्सत नहीं मिलती है। वो लोग सोचते हैं कि कब इस मैनेजमेंट से हटे जाकर भारत में भजन करे। देवता तो अब देखिए, भगवान नृसिंहदेव का अवतार हुआ तो उसमें देवता कारण है, देवता लोग प्रार्थना की। भगवान कृष्ण के अवतार के लिए क्षीर समुद्र पर गए, देवता सब गए। देवता तो भगवान के परम भक्त है, लेकिन ऐसे कुछ देवता हैं जिनको फुर्सत नहीं मिलती है, ये व्यवस्था वो व्यवस्था, तो वो लोग चाहते हैं बल्कि मनुष्य शरीर मिलता है, और भगवान की भक्ति से युक्त मनुष्य शरीर चाहते हैं वो लोग, मनुष्य शरीर नहीं, स्मृति मत ऐसा लिखा गया, स्मृति से युक्त शरीर चाहिए, नहीं तो मनुष्य शरीर लेकर क्या करेंगे, कितना सब मनुष्य भरे पड़े हैं बेकार, ऐसा मनुष्य बनकर क्या करेंगे, ऐसा मनुष्य शरीर को नहीं चाहते हैं, कृष्ण भावना से युक्त मनुष्य शरीर चाहते हैं, ये भागवत में लिखा गया है। नहीं कहीं जन्म ले और आकर के किसी मुस्लिम क्रिश्चियन में जन्म ले ले तो देवता भी घटन पड़ेंगे कि नहीं, क्या करेंगे, भजन थोड़े हो। मनुष्य शरीर दुर्लभ नहीं है, कृष्ण भावना से युक्त मनुष्य शरीर दुर्लभ है। जा तो नहीं सकते, देवताओं में अधिकांश लोग भगवान के धाम में जाते हैं, कुछ लोग कर्म क्षीण होने पर इस जगत में गिरते हैं। ये सब शास्त्र में लिखा गया है, देवता अधिकांश भगवान के भक्त हैं, वहां वो समझते हैं कृष्ण को, लेकिन कुछ लोग ऐसे विषम भोगों में रहते हैं कि उनकी इंद्रियां भोगों की तरफ होती हैं। इन मनुष्यों की अपेक्षा कोटि कोटि गुना वो अधिक सुक्रिया है, मनुष्यों में तो खोजने पर लाखों में कोई एक भक्त मिलेगा, लेकिन देवताओं में बहुत ज्यादा भक्त है, ये स्वभाव है देवताओं का, भागवत प्रमाण है इसका, कल्पना के द्वारा बात नहीं कही जाती है। पंचम स्कंध में वर्णन है, जिस लोक में देखिए वहां भगवान के विग्रह की चर्चा है, भगवान की चर्चा है। लीलावृत वर्ष में जो है सब संकर्षण देव के भक्त है, हरि वर्ष पुरुष में सब नृसिंह देव के भक्त है, किन पुरुष वर्ष में सब सीताराम जी के भक्त है, दिखाया गया है ना भागवत में। सबसे दूषित जगह है तो एक पृथ्वी जहां भक्त लोग नहीं, यहाँ बहुत प्रचार करने पर तब थोड़ा सा भक्त होते हैं, स्वर्ग में बिना प्रचार के ही सब भक्त होते हैं। शास्त्र कहता है कि देवता लोग मनुष्य शरीर चाहते हैं, तो वह तो जिसमें भक्ति रहती है वही चाहता है, जैसे ब्रह्मा जी ने चाहा कि मैं वृंदावन में तीर्ण हो जाऊं, उद्धव जी ने चाहा कि मैं गुलम लता बन जाऊं, गोपियों के चरण रज पड़े, क्यों? क्योंकि वास्तव में वो एक व्यवस्था में थे, वो सुख चाहते थे, अपने को हीन बनाना चाहते थे, लेकिन किस लिए, क्यों ऐसा भाव आ रहा था कि उद्धव जी बहुत बड़े भक्त, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं अरे तू भाग्यहीन है इसलिए बनना चाहते हैं। देवता यदि मनुष्य बनना चाहता है कोई, तो इसका मतलब फर्स्ट क्लास का भक्त है, तब बनना चाह रहा है भक्ति के कारण, और भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर बन चाहता है, ऐसा नहीं कि ऐसे मनुष्य शरीर पा करके और कोका कोला पीने के लिए उसको स्वर्ग में नहीं मिलता है इसलिए चलो यहाँ आ जाए, चाहिए खाए वो खाए पिए। जी हाँ, कभी कभी वही भगवान अपने स्वरूप से ही ब्रह्मा का पद संभालते हैं, कभी कभी समझे शिव जी के पद पर भी वही रहता है, उनको सदा शिव कहते हैं, और ज्यादातर योग्य जीव को भी उस पद पर बैठाते हैं, शक्तिशाली जीव इम्पावर्ड करके कभी कभी स्वयं संभालते हैं। तो
हाँ तो वही तो है, हम तार का गिरा खजूर पर आते तो यहाँ भी आकर के अगर मैनेजमेंट में आदमी पड़ जाए तो वो भी एक बहुत झंझट होता है। हाँ लेकिन वह परसेंटेज की दृष्टि से बात कही जाती है, वास्तव में सभी योनियों में कुछ कुछ न कुछ कर्म फल लागू होता है। मनुष्य शरीर में 100% कर्म फल लागू होता है और योनियों में पूरा लागू नहीं होता है, ये भोग योनियां है। लेकिन कुछ न कुछ लगता है, पूरा फ्री नहीं है। और देवताओं का पर ही लगता है, देवताओं का जो शरीर है वो अभी भोग योनि नहीं है। देवताओं के लिए जो मनुष्य में अच्छे कर्म किए हैं वो जब भोग समाप्त हो जाते हैं तो फिर उनके कर्म के अनुसार हो या तो सभी के आ जाते हैं या। लेकिन वहाँ पर जो कर्म करते हैं उसका फल भी उन्हें भोगना पड़ता है ना। जैसे स्वर्ग में गए थे महुष महाराज, तो वे इंद्र की पत्नी के साथ शांत चाहते थे, वो कर्म किया तो उस कर्म का दंड हुआ, वो सर्प बन गए। जिसका अर्थ है देवता भी कर्म फल भोगते हैं। वो गलत कर्म किया तो साप दिया ब्राह्मणों ने और वो सर्प हो गए। स्वर्ग से भी अधोगति हुई या स्वर्ग से भी एलिवेशन होता है। तो देवताओं पर भी कर्म बंधन लागू है, केवल भोग योनि नहीं है वह। हाँ और जो जीव है उनमें ज्यादातर भोग योनि है, कर्म फल क्या लागू होगा। गाय भैंस वगैरह पर क्या कर्म फल लागू होंगे। अगर उस सिंह से किसी को मार दे तो मजिस्ट्रेट उनको फांसी पर चढ़ाएगा, ऐसा तो है नहीं। या वो दूध दे रही है तो दान के रूप में नहीं माना जाएगा कि इसने दान दिया। हाँ क्योंकि वो भगवान के प्रिया थे, जो डायरेक्ट पार्षद थे भगवान की ब्रज के, राज घराने में विवाह हुआ था और मेरा भी हाँ हाँ ये बात है। मीरा भी जैसा उज्ज्वल कृष्ण प्रेमी बहुत कम हुए हैं इस पृथ्वी पर। उस स्थिति में रह करके कोई वैसा करे तब पता चलेगा नहीं। आज से 450 वर्ष पहले वो भी राजस्थान का राजपूत परिवार, वो भी राजा का परिवार, और एक स्त्री इस तरह से नाचे गावे कृष्ण के प्रेम में दीवाना हो जाए, और कितनी बाधा आए उसकी जान मारने के लिए, जहर भेजा गया, सर्प भेजा गया, क्या क्या हुआ। लोग ऐसा सोच रहे थे कि हमारे कुल की बदनामी, लेकिन मीरा ने अपना प्रेम निभा करके ही छोड़ा। इसीलिए तो मेरा भाई का नाम बड़े आदर के साथ लोग लेते हैं, बहुत आदर के साथ। तो अपनी बेटी का मीरा नाम रखने में गर्व का अनुभव करते हैं। मीरा भाई अभी श्रीमद् भागवत कथा हुई थी तो हम लोग गए थे मेवाड़, सब क्षेत्र देखे जिस क्षेत्र में मीरा भाई हुई थी। और मीराबाई के कारण श्रीनाथ